केंद्र की मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के 9 साल पूरे किए हैं, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 9 साल। इस सब को लेकर बीजेपी एक महासंपर्क अभियान चला रही है, शहर में भी, मेरठ शहर में भी यह अभियान चल रहा है। मेरे साथ हैं बीजेपी के फायरब्रांड नेता पंडित कमल दत्त शर्मा। शर्मा जी, आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जनता को भी जो उपलब्धियां हैं सरकार की उनके बारे में बताया है, आप क्या मान रहे हैं 2024 में किस तरह की चुनौतियां आपके सामने हैं? चुनौती कोई नहीं है। देखिए, हमारे देश की जो 140 करोड़ जनता है, सब देख रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारा देश ने जो विकास की जो गति छुई है और हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का पूरी दुनिया में जो सम्मान बढ़ा है, और मोदी जी ने एक एक गरीबी के रेखा के नीचे निवास करने वालों की स्थिति को खुद समझा है, क्योंकि वो इस स्थिति से गुजरे हैं। अगर किसी ने कोई गरीबी को महसूस किया हो तो वो उसका दर्द अच्छी तरह से समझ सकता है। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं वो इस दौर से गुजर कर ऊपर आए हैं। तो उन्होंने एक एक स्थिति को छुआ है, वो राशन हो 2-3 साल से लगातार और आगे तक चलेगा। एक देखिए, आप इस बात का आप कंपेरिजन करिए, बराबर वाला जो देश है वहाँ तो भुखमरी चल रही है, और 3 साल से आदरणीय मोदी जी अपने पूरे देश में सभी लोगों को फ्री राशन बंटवा रहे हैं। और इसके अलावा जो तरक्की, आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, आप नॉर्थ ईस्ट जो हमारे से लगभग 25 से 30 साल पीछे था, हम सोचते हैं हमारे आसपास में विकास हो रहा है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है, तो वो भी हमारे साथ में खड़ा होगा, पूरा देश एक साथ। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर भी है, यहाँ पर राहुल गांधी होके आए अभी 2 दिन पहले। ऐसा है, उनके बारे में तो क्या कहना, वो तो विदेश में ज़्यादा रहते हैं, विदेश की बात ज़्यादा करते हैं, तो मैं तो उनसे निवेदन करूँगा कि अपने देश के अंदर घूमें तो शायद उनको ज़्यादा अनुभव होगा, उनको बाहर का अनुभव ज़्यादा है। अभी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब मुद्दा फिर से खड़ा हुआ है, कल मेरठ में जब ईद की नमाज हुई तो जो शहर काजी हैं उन्होंने भी ये कहा कि ये सरकार जो है वो मुसलमानों के हकों को कुचलना चाहती है। ये गलत बात है। इतने देखिए, सारे धर्मगुरु सबका सम्मान है, चाहे कोई किसी भी धर्म का है, तो हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन और देखिए जिस धर्म के अंदर उनके लोग उन पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, उनकी जिम्मेवारी ज़्यादा है, तो सच्चाई उनको बतानी चाहिए। उन्हें ये भी बताना चाहिए कि उनके घरों में फ्री राशन आ कहाँ से रहा है, उनको ये भी बताना चाहिए उनके घर में फ्री सिलेंडर कहाँ से आया है, उन्हें ये भी बताना चाहिए कि उनके घर में प्रधानमंत्री आवास योजना से उनका घर बना है, उन्हें ये भी बताना चाहिए कि जो आयुष्मान कार्ड है वो कहाँ से बना है, उनको जो ये लाभ है ये कितनी तरह से, क्या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पे कोई किसी आधार पे कोई किसी को कोई लाभ दिया है क्या? तो सरकार जो है वो सबकी होती है, और अगर मुसलमानों को भी इसका लाभ मिल रहा है तो वो इस देश के ही तो नागरिक हैं। दूसरी बात ये है कि मुसलमानों का कहना ये है कि क्या बीजेपी के कहने से इज्जत छोड़ दें, हलाला छोड़ दें, खतरा छोड़ दें? देखिए, छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ना उस बात का है अगर मेरे किसी व्यक्तित्व से या मेरे किसी ऐसे जो ये जो रूढ़िवादी बातें चले आ रही हैं उससे किसी दूसरे व्यक्ति को कोई परेशानी हो, उसके हक मरते हों, छोड़ना वो पड़ेगा। जैसे 3 तलाक है, किसी भी लड़की को कोई भी घर है, वो भी मुस्लिम समाज का ही व्यक्ति है जिसकी वो बेटी है, उसको 15 साल के बाद 3 तलाक कर छोड़ दिया जा और वो अपने घर पर आकर बैठ जाए, उसके माँ बाप और भाई पर क्या गुजरेगी? वो अपना घर चलाएंगे या लड़की का ध्यान रखेंगे, उसकी लड़ाई लड़ेंगे? और वहाँ तो लड़ाई भी ख़त्म है ना, क्योंकि 3 तलाक बोले ख़त्म। सर, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि अब ये 2024 का चुनाव है, इसलिए फिर से जो पोलराइजेशन है वोटों का वो करना चाह रही है बीजेपी। ऐसा बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब भी कोई परिस्थिति बनती है या किसी भी, जैसे आप देखिए कोरोना की परिस्थिति बनी, वो कुछ किसी की गलती नहीं थी, लेकिन एक बीमारी थी, एक इस तरह की विपत्ति थी हमारे देश के ऊपर। क्या आप ईमानदारी से बता सकते हैं, मीडिया वाले सब बंधु, आप लोग तो सड़क पर थे, आपको भाजपा के अलावा कोई कार्यकर्ता नजर आ रहा था? बताइए, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपने आप स्वयंभू होकर इंतजाम करे और अपने अपने शहर के रहने वाले, अपने गांव के रहने वाले, एक एक घर के व्यक्ति का ध्यान रखा। तो मैंने खुद यहाँ पर जिस हम जगह हम खड़े हैं, बराबर में मेरठ मॉल है, हमारे सब कार्यकर्ताओं के द्वारा 2000 पैकेट की रोजे किचन चलाई हुई थी, कोई एहसान नहीं करा किसी पे। हम क्योंकि जिम्मेवार पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारा दायित्व है जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आएगी हम निकल कर चलेंगे। तो ये कहना कि ये पोलराइजेशन या चुनाव का समय, हम हर समय जनता के बीच में रहते हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए खड़े रहते हैं। वो
2024 के चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा 80 लाओ भाजपा हटाओ, कितनी बड़ी चुनौती और क्या जो जो 80 सीटें लाओ यूपी में और भाजपा हटाओ, और जो जिस तरीके से गठबंधन के प्रयास चल रहे हैं, आपको लगता है कि चुनौती बनेगी 2024 आते आते? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल करा है। हमारे देश में या कहीं भी सरकार बनाने के लिए तो गठबंधन होता था, लेकिन पहली बार सरकार रोकने के लिए गठबंधन हो रहा है कि जाने क्यों नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक साथ सब लोग जिनके विचार भी एक नहीं थे वो सब एक दूसरे को काटने को दौड़ते थे और आज सब एक मंच पर आ रहे हैं मोदी जी के डर की वजह से। क्योंकि मोदी जी का जो विकास है, जो विकास की दर है, आप देखिए पूरे विश्व में GDP पे 5वें नंबर पर मोदी जी हैं, और जब मोदी जी अमेरिका से आए हैं उसके बाद जब हमने कल देखा तो 4थे नंबर पर है, ब्रिटेन भी हमारे से पीछे है। तो आप देखिए, ऐसे लोगों के कहने से कुछ नहीं होता। आप देश की अर्थव्यवस्था देखिए, लिविंग स्टैंडर्ड देखिए, लोगों का रहना सहना देखिए, लाभार्थी योजना देखिए। और एक बात, जो मुस्लिमों को भड़काने की बात करते हैं ये लोग, उनसे जाकर पूछें कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की जो संख्या है वो 16-17% है और लाभार्थियों की 24% है। तो इसका मतलब क्या है कि लाभार्थी 17% होने के बाद 24% ले रहे हैं, तो इसका मतलब मुस्लिमों को ज़्यादा लाभ मिल रहा है। तो इस बात को भी तो अगर काजी जी कहते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। ये यूनिकोड सिविल बिल पर लाकर आपने बात छोड़ी, ये बताइए आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ जागरूकता की कमी है, पार्टी या पार्टी के नेता ऐसा कुछ करने वाले हैं जिससे एक कैंपेन सा चले और लोग समझें इसे? देखिए, हमारा देश में जो हमारा देश है ये भाव का देश है। अगर हम कोई भी चीज़ घर से लेकर चलते हैं, घर से लेकर चलने के बाद उसको समाज में लाते हैं, और जब समाज में वो बड़ा मुद्दा बनता है तो वो आंदोलन बनता है। तो हमारा जो काम है सही चीज़ घरों में बताना और वहाँ के नौजवान को खड़ा करना और फिर उसको समाज में भेजना, और समाज के बाद जब ही वो आंदोलन बन सकता है, डायरेक्ट किसी चीज़ को थोपने से आंदोलन नहीं बनता। हमारी जो पार्टी है उसमें आंतरिक स्वतंत्रता रहा है, एक दूसरे को राय देने का हक है, इसलिए हम जनता के बिना राय के कुछ नहीं करते, जनता की राय से ही चलेगा ये काम। जनता की राय लेंगे और उनको तैयार करेंगे इसके लिए, और ये होना चाहिए, ये हमारा हक है, एक एक नागरिक का हक है कि एक देश एक विधान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको लेकर अब BJP ये कह रही है कि वो जनता की राय लेगी, खास करके समाज के उन वर्गों की जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, और विपक्षियों को मैसेज यही है कि 2024 जो है वो बिल्कुल सामने है, इसलिए अब विपक्षी इसे मुद्दा बना रहे हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।